चंदन। काफी टाइम से लटक रही थी ये लाश, पूरी की पूरी सड़ चुकी है। ये इस वीरान हवेली में क्या करने आया होगा? इतना ही नहीं सर, खूनी को लाश को ऊपर लटकाने की क्या जरूरत थी? उसे जंगल में गाड़ सकता था या फिर नदी में फेंक सकता था। ये सर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब हम लोग को इतनी मुश्किल हुई है इसको उतारने में, तो खूनी ने इसको ऊपर कैसे और क्यों डाला होगा? तू इसे पहचानते कौन है? इसका तो चेहरा बहुत खराब हो गया है साहब। आप लोगों के गांव का तो नहीं है ये? तो हमारे गांव का नहीं है साहब। पक्का? साहब ये किसी सहाय का काम है साहब। अरे मुत्तू, मुत्तू चल यहाँ से भाग। अरे मुत्तू भाग, अरे भाग मुत्तू भाग। मैं इसके कपड़े देख कर भी नहीं लगता ये गांव का है। जिस किसी ने भी इसका ये हाल किया है वो इसे यहाँ क्यों लाएगा? वो इसे शहर में भी तो खत्म कर सकता था। खैर, अगर इसका खून यहाँ हुआ है तो इसके खून से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सबूत तो यहाँ होगा। आदित्य चल मेरे साथ चलो। उस लाश को यहां से उठा के वहां तक फेंकना पॉसिबल तो नहीं है, फिर ये लाश वहां तक पहुंची कैसे होगी? वही तो सोचने वाली बात है सर। खैर आगे देखते हैं। इस हवेली में बड़ा अजीब सा है सर, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। कुछ नहीं आ रहा, चलते हैं। चलो क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मुझे ऐसे लगा। चलो वापस चलते हैं। सर वॉलेट, सर कैश भी पड़ा और कार्ड्स भी हैं। 100% इसका खून पैसों के लिए तो नहीं हुआ। सर लाइसेंस, विक्रम नाम है इसका और मुंबई का एड्रेस है। लेकिन मुंबई से ये आया क्यों होगा यहाँ? विकास, हम भी मुंबई से यहाँ आए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस हवेली के बारे में गांव वाले तक नहीं जानते, वहां ये मुंबई का विक्रम क्या कर रहा है? चंदलपुर केस का क्या अपडेट? सर हमने चंदलपुर और सराउंडिंग जंगल्स में अच्छी तरह सर्च की। जंगल के काफी अंदर हमें एक पुरानी हवेली मिली सर। ताज्जुब की बात यह है कि गांव वाले भी इस हवेली के बारे में जानते नहीं। हवेली के अंदर हमें छत से लटकी एक लाश मिली सर। ये लाश विक्रम की, मुंबई का रहने वाला सर। उसकी बॉडी में कोई भी जाहिर चोट का निशान नहीं, इसलिए हमने फोरेंसिक टीम के हवाले कर दिया उसको। और ये गांव वाले, उन्हें किसी पर शक है? सर शक तो है, लेकिन थोड़ी अजीब सी बात, उनको लगता है कि एक ईविल आत्मा है, एक काला साया जो ये सब कर रहा है। What's wrong with these people? कौन समझाए ने, आत्मा आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। I agree sir. हमने हर गांव वाले को ये बात समझाने की कोशिश की। ये हवेली किसकी है?
वो रिकॉर्ड्स मिले? सर हमने सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स चेक करवाए, कोई फाइल नहीं है इस हवेली की। हमारे मैप पे भी हवेली शो नहीं कर रही थी सर। ऐसा कैसे हो सकता है गौतम? इतनी पुरानी हवेली होने के बावजूद भी कोई गांव वाला नहीं जानता? यू श्योर अबाउट दिस? सर उस काले साए के डर की वजह से गांव वाले जंगल तक में नहीं जाते। हवेली तो जंगल के काफी अंदर है सर। तो क्या तुमने सोचा है? व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? सर फिलहाल हमारी टीम के दो ऑफिसर्स हवेली पे नजर रखे हैं। वहां कोई भी आएगा कोई जाएगा उसको फॉरन क्वेश्चनिंग के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा सर। और अभिज्ञान? अभिज्ञान कहाँ है? विक्रम विक्रम पूछताछ करने गया सर। विल दैट बी ऑन? आपकी बेटी की लाश हमें चंद्रपुर के गांव की हवेली में मिली है। चंद्रपुर हवेली? ऐसी जगह पे वो क्यों जाएगा? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। सब उसके ऑफिस वालों की गलती। ऐसा कौन सा काम था कि मेरे बेटे को ऐसे सुनसान जगह भेज दिया? आपको किसी पे शक है? मेरा मतलब है कि कोई दुश्मन जो विक्रम को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। अरे दुश्मन कहाँ से होगा? मेरे बेटे ने आज तक किसी से ऊंची आवाज पे बात तक नहीं की और ये सब हो गया फिर। मैं आपको संभाली ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे के गुनाहगारों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। आप हमें विक्रम के ऑफिस का एड्रेस दे सकती हैं प्लीज? सर मैं विक्रम के ऑफिस गया था, उसे ऑफिस के किसी काम से नहीं भेजा गया था। सर उसने ऑफिस से एक महीने की छुट्टी ली थी। छुट्टी? That's quite strange. Yes, sir. सर ये देखिए विक्रम की लीव एप्लीकेशन। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ऑफिस से एक महीने की छुट्टी लेकर अपने घर वालों से झूठ बोलकर विक्रम को उस वीरान से हवेली में जाने की जरूरत क्या थी? अभिज्ञान हमें सबसे पहले दो बातें पता करनी है। पहली ये कि विक्रम को झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी, और दूसरी ये कि उस हवेली में ऐसा क्या है कि वो वहां गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी ने जानबूझ के विक्रम को वहां बुलाया ताकि मौका पाते ही वो उसे खत्म कर दे? नहीं, उस खूनी ने उसे नहीं मारा। वेट, ये रही विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसका मर्डर नहीं हुआ। सर आपका मतलब है विक्रम सबसे झूठ बोलकर उस हवेली में सुसाइड करने गया था? चंदन, विक्रम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सर ये रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन जो हमने देखा है वो नॉर्मल नहीं है सर। मतलब? मतलब ये सर कि अगर विक्रम हार्ट अटैक से मरा है तो उसकी लाश छत से लटक रही थी। हवेली में भूत है, खूनी भूत है, भूत। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ सर, मुझे मालूम है विक्रम का खून किसने किया है। मालूम? कौन है खूनी? किसी आदमी का काम नहीं है, आत्मा का है। विक्रम ने उस हवेली में भूत को देखा होगा। वेरी गुड, देखा भी क्या? हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन और पावर ऑफ लॉजिक देखी तुमने? एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद तुम भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास करते हो, कोई शर्म नहीं आती? मैं सच कह रहा हूँ सर। Oh, shut up, चंदन। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। होती है सर। होती है। गुड चंदन, तुम इसी वक्त उस हवेली जाओ और वहां तब तक रुकना जब तक उस भूत को पकड़ नहीं लेते। भूत को पकड़ू सर? सॉरी सर, उस भूत बंगले में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा सर। राइट नाउ चंदन, राइट नाउ से लौटो। Leave both of you. Damn it. क्या हुआ अभिज्ञान, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर, वो हुआ। अभिज्ञान, बात को दबा देने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। स्पीक अप, क्या बात है? सर वो गौतम कहीं नजर नहीं आ रहा है। गौतम शिखा से मिलने गया है हॉस्पिटल। तुम भी जाकर शिखा से मिल क्यों नहीं आते? नहीं सर, गौतम है उसके पास। सर वैसे भी इस केस को मेरी जरूरत है, मुझे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। हाँ सर।
क्या शिखा की पलके झपकी, अब देखिए विजय उसने हाथ पी लाया। साहब अभी उसकी आंखें हिली थी, मैंने उसका हाथ भी हिलते देखा है। आप ये बात क्यों नहीं मान रहे? अरे बाप, इतना अंधेरा, एसीबी साहब ने जबरदस्ती नहीं भेजा होता ना तो मैं दोबारा इस भूत बंगले में कभी नहीं आता। अभी तो पहुंचे हैं चंदन, पूरी रात यहीं बितानी, घबराओ मत, हवेली में पूरी तरह नजर रखो, देखते हैं कोई मूवमेंट होती है। एक काम करते हैं विकास, तुम उधर देखो, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। चंदन तुम इधर। नहीं, मैं मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ठीक है चल। कहाँ फंस गए यार? मयंक तुम साथ साथ रहो, मुझे आनंद जैसा हल नहीं करना है। चंदन कुछ नहीं होगा, बस अपने दिमाग से इस डर को हटाओ। अरे कहाँ कहाँ से हटाऊं, मेरा पूरा बदन कांप रहा है। तुमने अभी काला साया देखा नहीं इसलिए बोल रहे हो। चंदन तुम अपनी बकवास बातें बंद करोगे? हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है चुपचाप चलना एकदम, समझे? चलो कुछ भी बोले खतरनाक साये होते हैं। विकास कहाँ छोड़ के चले गए? अरे आवाज कहाँ से आ रही है? काला साया। ये हमारे अलावा और कौन हो सकता है इस हवेली में? काला साया। चंदन एक मिनट, दो सर। Oh, my God.